किसी ने सच ही कहा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर सकते हैं परंतु कर्म कभी क्षमा नहीं करते। हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। हमें हमारे कर्मों का फल ना केवल इस जन्म में बल्कि परलोक में भी भोगना पड़ता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। यह गांव चारों ओर सुंदर सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसी गांव में एक शिल्पकार रहता था। यह शिल्पकार बहुत ही मेहनती, बुद्धिमान और क्रिएटिव था। साथ ही साथ यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी था, जिस कारण यह शिल्पकार केवल देवी देवताओं की ही मूर्तियां बनाता था। और शायद उसके ऊपर यह ईश्वर की कृपा ही थी कि उसके हाथों में गजब का जादू था और उसकी बनाई हुई मूर्तियां बेहद खूबसूरत बनती थी। एक अच्छा कलाकार होने के साथ साथ यह शिल्पकार बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। एक दिन संयोग से यह शिल्पकार घूमते घूमते गांव की एक पहाड़ी के पास पहुंच गया। उस पहाड़ के नीचे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। जब शिल्पकार ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा तो उसे यह महसूस हुआ कि यदि इन पत्थरों से मूर्तियां तराशी जाएं, तो वे बहुत ही खूबसूरत बनेंगी। और ऐसा विचार आते ही उसने उन पत्थरों से मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। वह बहुत ही लगन और प्यार से उन पत्थरों को तराशने लगा। आखिर एक दिन उसकी यह मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों के पश्चात देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनकर तैयार हुई। मूर्तियां इतनी सुंदर बनी थी कि गांव के सभी लोग धीरे धीरे उन मूर्तियों को देखने के लिए वहां पर आने लगे। जो भी व्यक्ति उन खूबसूरत मूर्तियों को देखता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे उन मूर्तियों की चर्चा आसपास के गांव और कस्बों में भी फैलने लगी और बहुत से लोग उस स्थान पर उन मूर्तियों को देखने के लिए आने लगे। लोग उन खूबसूरत मूर्तियों को देखते और उस शिल्पकार की तारीफ करते थे। धीरे धीरे उन मूर्तियों की खूबसूरती की चर्चा उस राज्य के राजा तक भी पहुंची। और फिर क्या था, राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और चल पड़ा उन मूर्तियों को देखने के लिए। वहां पहुंचकर जब राजा ने उन खूबसूरत मूर्तियों को देखा तो वह देखता ही रह गया। राजा सोचने लगा, इतनी खूबसूरत मूर्तियां, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये अभी बोल पड़ेंगी। इतनी सुंदर मूर्तियों को रखने के लिए तो मंदिर भी लाजवाब होना चाहिए। और ऐसा विचार आते ही राजा ने शिल्पकार से कहा, हे शिल्पकार, तुम राजमहल के पास एक ऐसे मंदिर का निर्माण करो जिसके सौंदर्य की उपमा ही ना की जा सके। राजा का आदेश पाते ही शिल्पकार की निगरानी में एक मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। शिल्पकार ने मंदिर की दीवारों पर, उसके स्तंभों पर महीन कारीगरी का काम किया और कुछ ही महीनों की मेहनत के पश्चात एक बेहद खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब राजमहल के राजगुरु ने उन मूर्तियों की उस मंदिर में स्थापना करवा दी। धीरे धीरे इस मंदिर की खूबसूरती की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। और अब यह मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन गया। श्रद्धालु लोग श्रद्धा से इस मंदिर में काफी चढ़ावा चढ़ाते। दिन बीतते गए और मंदिर का खजाना भरता चला गया। मंदिर की प्रसिद्धि के साथ साथ उस शिल्पकार को भी बहुत यश और मान सम्मान मिलने लगा। राजा ने प्रसन्न होकर उस शिल्पकार को राज्य का सर्वश्रेष्ठ कलाकार घोषित कर दिया और साथ ही मंदिर के खजाने का आधा हिस्सा भी उस शिल्पकार को मिलने लगा। इस प्रकार शिल्पकार के सभी सपने पूरे हो गए और वह ऐशो आराम से अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन की बात है, शिल्पकार ने देखा कि एक 7-8 वर्ष का बच्चा उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। इस बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और वह सर्दी से कांप रहा था। शिल्पकार के पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब शिल्पकार उस अनाथ बच्चे को अपने घर ले गया और उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। इसी प्रकार हंसी खुशी कुछ वर्ष बीते
और एक दिन ऐसा भी आया जब वह शिल्पकार बहुत बीमार पड़ गया। कई हकीम वैद्यों ने उसका इलाज किया परंतु उसकी बीमारी ठीक ही न हो पाई। वह 6-7 वर्षों तक बिस्तर पर पड़ा उस बीमारी में तड़पता रहा। इतना धन होते हुए भी वह उसका सुख नहीं भोग पा रहा था और बिस्तर पर लेटे लेटे वह शिल्पकार यही सोचता रहता था, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वह शिल्पकार परलोक सिधार गया। यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज ने उसे देखते ही अपने दूतों को यह आदेश दिया, जाओ इस पापी को नरक में डाल दो। यह सुनते ही वह शिल्पकार यमराज से कहने लगा, हे भगवान, मैंने जीवन भर सच्चे हृदय से देवी देवताओं की इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई, मंदिर बनाया, ना जाने कितने ही लोग मेरी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करके ईश्वर के भक्त बन गए और इस प्रकार मैंने लोगों को धर्म से और ईश्वर से जोड़ा, और बदले में ईश्वर ने मेरे साथ यह क्या किया। पहले तो मुझे उन्होंने इतनी गंभीर बीमारी दे दी और अब मृत्यु के पश्चात आप मुझे नरक में भेज रहे हैं, क्या धर्म के रास्ते पर चलने का यही फल होता है। शिल्पकार की यह बात सुनकर धर्मराज यमराज कहने लगे, हे वस, यह बिल्कुल सत्य है कि तुमने सुंदर मूर्तियां बनाई और मंदिर बनाकर धर्म का प्रचार किया, परंतु यह सब तो तुमने केवल धन और यश कमाने के लिए ही किया था। तुमने कभी भी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं की। याद करो वो दिन जब 7-8 वर्ष का अनाथ बालक तुम्हारे दरवाजे पर सहारा मांगने के लिए आया था और तुमने उसे सहारा देने के बजाय अपना गुलाम बना लिया था। याद करो वह बूढ़ा और भूखा भिखारी जिसे तुमने भोजन देने की बजाय घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। याद करो वो दिन जब बहुत वर्षा हो रही थी और तुमने एक माँ और छोटे बच्चे को मंदिर के आंगन से यह कहकर हटा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय हो गया है। उसके पश्चात वह माँ और छोटा बच्चा कितनी ही देर उस वर्षा में भीगते रहे। याद करो कि इतना धनवान होते हुए भी तुमने कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी। तुम तो धर्म की आड़ में केवल धन और यश कमाने में लगे रहे और धर्म की आड़ लेकर धन कमाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। अब तुम ही बताओ, क्या ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मनुष्य केवल अपने द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है। यमराज की यह सारी बात सुनकर उस शिल्पकार की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वह खामोश हो गया। उसे आज उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, कई बार हम यह सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, परंतु अनजाने में ही हम ना जाने कितने ही लोगों का मन दुखा देते हैं, कितनी गलतियां कर देते हैं, यह सोचे बिना कि एक दिन उन सब कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज से ही कुछ भी करने से पहले यह जरूर सोच लेना कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत। धन्यवाद। जय माता दी।